गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन या उसको कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, उसका एक टॉपिक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। दीपा एंड कंपनी इन्वेस्ट 4 लाख रुपया इन ए प्रोजेक्ट। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपीज हो गया, स्क्रैप वैल्यू 40,000 है, लाइफ 5 ईयर्स है। अच्छा, एडिशनल नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 25,000 है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख, स्क्रैप 40,000, लाइफ 5 ईयर्स, एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज 25,000। यहाँ देखिए, एस्टिमेटेड अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, आफ्टर टैक्स ही दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में 50,000, 52, 42, 45 और 36, 5 साल का प्रॉफिट दिया, इसको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। बोला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, दैट इज आपको ARR निकालना है। तो ARR का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 5 प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। मेन होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट, 4 लाख रुपया कॉस्ट, 40,000 स्क्रैप, 25,000 रुपया एडिशनल वर्किंग कैपिटल, इसके हेल्प से एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगा। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 50,000, सेकेंड ईयर 52,000, 42,000, 45,000 एंड 36,000। 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना है। क्लियर, इसको ऐड करेंगे, ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट आएगा आपका 45,000। तो इसका टोटल आया था 225,000, आंसर आ गया 45,000। अब कैलकुलेट करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाई 2, प्लस स्क्रैप प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। इनिशियल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट आपका है 4 लाख, स्क्रैप है 40,000, बाई 2 प्लस 40,000 प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल 25,000। ये हो गया आपका 180 प्लस 40 प्लस 25, 245 आ गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 245। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट 4 लाख, माइनस स्क्रैप 40,000 डिवाइडेड बाई 2, फिर स्क्रैप 40,000 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल 25,000 प्लस एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया 245, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 45। अब आंसर निकलेगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 45,000 डिवाइडेड बाई 245,000 इंटू 100, आंसर विल बी 18.37%। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लिए थे 45, एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका आया था 245,
I200 कर दिए, आ गया 18.37। सबसे पहले 5 ईयर का प्रॉफिट दिया था आफ्टर टैक्स, उसको प्लस करके 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज हो गया। इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल एवरेज इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद एआरआर कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये एक सिमिलर प्रॉब्लम आपके सामने, मशीन का परचेज कॉस्ट है 80,000, लाइफ है 5 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू है 10,000। तो 80,000 से 10,000 माइनस करेंगे, लाइफ से डिवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 5 साल के बाद वो प्रॉफिट कितना कितना होगा, तो यहाँ देखिए प्रॉफिट है 20,000, 40,000, 30,000, 15,000 और 5,000। इसको अगर ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा। लेकिन याद रहे ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, ये जो प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो इसमें से भी डेप्रिसिएशन माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है। यहाँ देखिए बोला कैलकुलेट करना है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ टैक्स दिया नहीं है, हम लोग टैक्स 30% एज्यूम करके सोल्व करेंगे। तो पहले प्रॉफिट को एवरेज कर लेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाई 2 प्लस स्क्रैप, वर्किंग कैपिटल है नहीं। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। The average profit before depreciation and tax, 5 साल का प्रॉफिट है 20,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 और डिवाइडेड बाय 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है 22,000। 5 ईयर का प्रॉफिट था, प्लस करके 5 से डिवाइड कर दिए, डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 80,000, स्क्रैप इज 10,000। 80,000 माइनस 10,000, अब मशीन का लाइफ है 5, डेप्रिसिएशन आपका 14,000 आ जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं बिफोर टैक्स। टैक्स बोला नहीं है, टैक्स एज्यूम कर लेते हैं 30%। 30% टैक्स एज्यूम कर लिए, आपका 5,600, ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 30% टैक्स एज्यूम किया, तो प्रॉफिट दिया हुआ था बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स 5 ईयर का था, ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिए, 22 आया। डिप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स एज्यूम कर लिए 30%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब यहां कैलकुलेट करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है आपका 80,000, स्क्रैप है 10,000, डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप 10,000, तो ये हो गया आपका आंसर 45,000। अब हम लोग आंसर निकाल देते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 5,600, एवरेज इन्वेस्टमेंट 45 इनटू 100, 5,600 डिवाइडेड बाय 45 इनटू 100, 12.45%। ठीक है, तो पहले हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट देखिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय 2 प्लस स्क्रैप, वर्किंग कैपिटल है नहीं, तो ये 35 हुआ, 10 जोड़ दिए 45 हुआ। यहाँ 5,600 एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, तो 5,600 डिवाइडेड बाय 45 इनटू 100, 12.45% के आसपास आया है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आपको एआरआर का ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।